हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज के इस वीडियो में हम लोग मुस्लिम मैरिज के अंडर में मैरिज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी कि निकाह के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। निकाह के एसेंशियल्स क्या क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो एक मुस्लिम अगर मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, तो उसमें वो होने चाहिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने काइंड्स ऑफ मैरिज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के मैरिज होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग कॉम्पिटेंसी के बारे में समझेंगे, यानी कि कब एक पार्टी जो कॉम्पिटेंट माना जाता है कहा जाएगा कि वो निकाह कर सकता है। इन सब सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप बता सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं विश करना चाहूँगा उन सब लोगों को जो MPPC से जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और कल एग्जाम देने जा रहे हैं, विश ऑल द वेरी बेस्ट टू दोज एस्पायरेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर इन MPPC से जुडिशरी एग्जामिनेशंस। तो अब हम मैरिज के बारे में समझते हैं। देखिए, मुस्लिम में जहाँ तक मैरिज की बात है, निकाह की बात है, वो बहुत ही पाक माना गया है और ये मैंडेटरी नेचर का नहीं है, ये रिकमेंडेटरी नेचर का है। इस्लाम में शादी को रिकमेंड बताया, यानी कि रिकमेंडेटरी नेचर का है, यानी कि फ़र्ज नहीं है, करना ही करना है शादी आपको, एक मुस्लिम को शादी करनी ही है, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कहा गया है इस्लाम में कि अगर आपको लगता है कि आप कोई गुनाह कर लेंगे, सिंस कर लेंगे, तो उस केस में आप पे मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी हो जाता है, बट अदरवाइज वो रिकमेंडेटरी नेचर का है। यानी कि रिकमेंड किया जाता है कि आप निकाह कर लो, नहीं किए रहोगे तो एक गलती हो सकती है आपसे। अब आप चूंकि जानते हैं कि इंसान की फितरत होती है, एक एज के बाद आपके हार्मोन्स इस सिचुएशन पे आ जाते हैं, आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की हाजत होती है। इस्लाम में माना गया कि अगर ये फीलिंग आपको आने लगी और इस फीलिंग को आप इलीगली यूज़ कर लिए, गुनाह कर लिए, आप नाजायज संबंध किसी से बना रहे हो आप, तो इससे बेहतर है फिर आप पे ऑब्लिगेशन आ जाता है कि आप शादी कर लो। अब शादी आप कर लेंगे तो गुनाह से बच जाएंगे, शादी आप कर लेंगे तो आप नाजायज रिश्ता नहीं बनाएंगे। तो एक तरीके से ये जान लीजिए कि इस्लाम में शादी रिकमेंडरी नेचर का है, ऑब्लिगेशन नहीं है आप पे। अगर आपको लगता है कि आप बिना शादी के भी अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बिना गुनाह की गुजार सकते हैं, तो इट्स ओके, आप पे फिर फ़र्ज नहीं है, अदरवाइज ऑब्लिगेटरी आप पे आ जाएगा कि अगर आप गुनाह से नहीं बच पा रहे तो आप पे ऑब्लिगेशन आ जाएंगे। अब हम इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट ये भी समझते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शादी जो है हाफ इस्लाम है और बाकी इस्लाम के लिए आप अल्लाह से डरिए, हाफ ईमान है, आप ऐसा कह लीजिए कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया। अब हम आते हैं इस्लाम में शादी का जो कॉन्सेप्ट है उसे बताया गया सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक पार्टी जो है प्रपोजल देता है, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को। तो इसी तरीके से शादी भी एक, निकाह भी एक कॉन्ट्रैक्ट, निकाह कहा जाता है मुस्लिम मैरिज में, निकाह कहा जाता है। अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझते हैं कि इसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है निकाह में, यानी कि एक मुस्लिम में एक निकाह करने के लिए दो पार्टीज को क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब चूंकि जब आपसे ये कह दिया जा रहा है कि शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट में तो पहले सबसे पहले एक इंसान जो प्रपोज करता है दूसरे को कि भैया मुझे ये सामान खरीदना है, तो सामने वाला एक्सेप्ट करता है तो प्रॉमिस बन जाता है, फिर एग्रीमेंट बनता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एग्रीमेंट लीगली बाई इन्फोर्सेबल एट लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसी तरीके से जब हम कह रहे हैं कि निकाह कॉन्ट्रैक्ट है, तो जाहिर सी बात है एक पार्टी प्रपोजल देगा, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट हो। अब कॉम्पिटेंसी की जहाँ तक बात है, कॉम्पिटेंसी का मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। कॉम्पिटेंसी में आप इतना जान लीजिए कि अगर एक जो पार्टीज है, दोनों पार्टीज में से एज ऑफ प्यूबर्टी को वो आ गए हैं, क्रॉस कर चुके हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी मतलब उनमें एक सेक्सुअल इंटरकोर्स की फीलिंग आ गई, हाजत पैदा होने लगी है, जिस्मानी संबंध बनाने की हाजत पैदा हो गई है पार्टीज़ में, तो ये माना जाता है कि वो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी है। अगर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी का कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है तो अमूमन 15 साल एज मानी जाती है। एज के लिए देखिए कई मुस्लिम स्कॉलर्स जो अलग अलग बातें करते हैं, वो कई कहते हैं कि लड़कियों में 15 साल हो जाता है, लड़कों में 18 साल होता है, कई कहते हैं 16 साल। तो इसमें आप बस इतना जाने कि एज ऑफ प्यूबर्टी वो किसी भी एज में आ जाए, अगर 14 साल की एज में एज ऑफ प्यूबर्टी आ गई, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स की भावना फीलिंग्स आपके अंदर आ गई, तो माना जाता है कि हाँ अब इसकी शादी के लायक हो गया है और एक कॉम्पिटेंट हो गया। दूसरी बात, वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए,
मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि महर होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। अब महर क्या होता है, महर मैं आपको बता देता हूँ। महर एक आप कह लीजिए कि अगर हम कह रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में आपके जहन में बात आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में तो कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन का मतलब कि अगर मैं आपसे एक पेन खरीद रहा हूँ तो उसके बदले में मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा, उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इस्लाम में भी जाहिर सी बात है कि जब हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट तो कंसिडरेशन भी होगा। अब एक्चुअली महर को ही कंसिडरेशन कहते हैं, आप कह लीजिए कि शादी सिविल इस निकाह में जो कंसिडरेशन होता है महर कह लेते हैं। महर एक ऐसी रकम होती है, रकम कह लीजिए या प्रतिफल कह लीजिए, कंसिडरेशन कह लीजिए, ज़रूरी नहीं कि ये कैश में हो, ये किसी भी मूवेबल थिंग्स भी हो सकती है, इमूवेबल थिंग्स भी हो सकती है, कोई वादा भी हो सकता है, जिसमें हस्बैंड जो है निकाह के टाइम या निकाह के बाद किसी भी टाइम, वो डिपेंड करता है कि दोनों में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, एग्रीमेंट क्या हुआ दोनों पार्टीज़ में, वो ये कहता है कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा या मैं आपको ये चीज़ दूंगा, मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, एक समझ लीजिए कि निकाह गिफ्ट आप कह लीजिए, मैरिज गिफ्ट, दैट इज़ कॉल्ड डोअर, दैट इज़ कॉल्ड महर। जनरली लोग ये कहते हैं कि महर की रकम जो है जब एक सिक्योरिटी है, एक वाइफ को सिक्योर करने के लिए, यानी कि जब आगे मान लिया फ्यूचर में शादी टूटता है, डिवोर्स होता है, तलाक होता है, तो उस टाइम हस्बैंड जो है वही अमाउंट जो प्रॉमिस किए रहता है महर की रकम वो अदा करता है वाइफ को। ऐसा गलत है, इसको आप डिवोर्स के साथ मत जोड़ना महर को। महर एक इस तरीके से समझिए वो कंसिडरेशन है, चूँकि एक बीवी एक औरत अपना घर बार अपना संसार अपने माँ बाप को छोड़ के आती है, तो उससे खुश होके उसको एक रिवॉर्ड देता है हस्बैंड, और कहता है कि चूँकि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो अपना सब कुछ छोड़ के, तो मैं आपको एक रिवॉर्ड दे रहा हूँ। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड महर। वो उसको कुछ पैसे दे सकता है, वो इट डिपेंड करता है दोनों पार्टीज़ में क्या तय हुआ है, वो उसको कुछ भी मूवेबल प्रॉपर्टी दे सकता है, उसको घर ज़मीन जायदाद कुछ भी दे सकता है, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। पीछे इस्लाम में अगर आप जाएंगे तो इसमें ये भी पाएगा खजूर दे देते हैं या उसमें प्रॉमिस कर देते हैं कि चलो भाई लड़की ने क्या महर मांग लिया कि चलो मैं चाहती हूँ कि दूल्हा जो है नमाजी बन जाए, नमाजी नहीं है तो आप नमाज पढ़ेंगे ज़िंदगी भर, ये भी है इस्लाम में, ये भी महर हो सकता है ना। तो महर में ये भी है, लड़की कहती है कि दूल्हा जो है हमें कुरान की कुछ आयतें पढ़ा दे, ये भी पहले पाया गया है, तो ये भी महर है। तो महर ये सब कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं कि कैश होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, इतनी रकम होना चाहिए, कोई स्पेसिफाइड भी नहीं, कोई तय भी नहीं है कि इतनी ही अमाउंट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या क्या कंडीशन देख लिए कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट हमने देख लिए शादी के, प्रपोजल होना चाहिए, एक पार्टी प्रपोज कर रही हो, दूसरे पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रहा हो। एक्सेप्ट कौन करेगा, लड़की के बिहाव पे कोई भी, उनके फादर एक्सेप्ट कर ले ना, लड़की खुद एक्सेप्ट कर ले, लड़की के कंसेंट से ही फादर आके कहेंगे कि लड़की को कबूल है, यानी आप जिसको कहते हैं कबूल है, दैट इज़ कॉल्ड प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, लड़का ऐसे बोल सकता है, दूल्हा ऐसे बोल सकता है, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। तो ये बात जो है लड़की के वली होंगे, वली मतलब गार्डियन, वो पहुंचाएंगे लड़की तक, और यहाँ पे वली भी होना चाहिए, मैं आपको ये भी बता दूँ, वली होना चाहिए। तो क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो गए, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, महर हो गए, वली हो गए, कॉम्पिटेंसी हो गई है ना, और कॉम्पिटेंसी हो गई, और आप कह लीजिए कि सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज होना चाहिए, है ना। अब हम कॉम्पिटेंसी में आते हैं। अच्छा, एक कंडीशन और है, एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट और है, विटनेसेस, और विटनेसेस कॉम्पिटेंट होने चाहिए, सूझबूझ वाले व्यक्ति होने चाहिए, समझदार व्यक्ति होने चाहिए, कॉम्पिटेंट। देखिए इसमें विटनेस होने चाहिए, दो विटनेस होने चाहिए, कितने होने चाहिए, दो विटनेस होने चाहिए, दोनों मेल होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, अगर उनमें से एक फीमेल है तो दो फीमेल एक मेल हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, शिया लोग जो हैं, शिया थॉट जो हैं, स्कूल्स ऑफ लॉ, आपने मुस्लिम स्कूल्स ऑफ लॉ पढ़ा होगा आपने, तो उसमें सुन्नी पढ़ा होगा, शिया पढ़ा होगा आपने, तो शिया लोग जो है विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं मानते हैं, वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट में। उनके यहाँ क्या होता है, शादी जब निकाह होती है तो विटनेस नहीं भी हो तो चल जाएगा, निकाह हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये जो मैं विटनेस वाला एसेंशियल रिक्वायरमेंट बोल रहा हूँ वो सिर्फ सुन्नी में है, शिया में नहीं है। तो हमने ये सब सारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट पढ़ लिए। अब थोड़ा कॉम्पिटेंसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कॉम्पिटेंट कब माना जाएगा कि भैया हाँ ठीक है कॉम्पिटेंसी है पार्टीज़ में। देखिए कॉम्पिटेंसी में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तीन चार चीज़ें ध्यान में रखनी है। कॉन्सिग्निटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि दूल्हा और दूल्हे में कॉन्सिग्निटी का रिश्ता नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉन्सिग्निटी मतलब आप समझ लीजिए कि खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए, है ना। अब जैसे एक
आदमी है वो अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता, एक आदमी है अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता, एक आदमी है मुस्लिम में, एक मुस्लिम मैन अपनी दादी से शादी नहीं कर सकता, एक मुस्लिम मैन अपने नीस से शादी नहीं कर सकता, एक मुस्लिम मैन अपने आंट से शादी नहीं कर सकता, एक मुस्लिम मैन अपने बुआ से नहीं शादी कर सकता, चाची से नहीं शादी कर सकता। तो ये आपको ध्यान में रखना, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज कॉन्सिग्निटी, कॉन्सिग्निटी इसमें कहते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो कॉम्पिटेंसी वाला पार्टी इज कॉम्पिटेंट है, वो अलग कंडीशन इसेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा तो वो निकाह नहीं माना जाएगा। दूसरी बात एफिनिटी, एफिनिटी में हम ऐसा कहते हैं कि जब निकाह हो जाए यानी कि एक मर्द का एक महिला से औरत से निकाह हो जाए तो उस निकाह के जरिए से जो रिश्ता नया बना है वो रिश्ता कौन कौन होगा, वो नया जो रिश्ता बन गया है ना उससे वो शादी नहीं कर सकता दूल्हा। जैसे मान लिया कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस बी से शादी किया, अब मिस बी से जब शादी किया तो मिस्टर ए, अब चूंकि इस्लाम में आप जानते हैं चार शादी अलाउड है, अगर मिस्टर ए को दूसरी शादी करनी हो तो मिस्टर ए अपनी बीवी के बहन से शादी नहीं कर पाएगा। वो बहन का जो मिस्टर ए है और जो उसकी वाइफ की बहन है उसमें एफिनिटी है ना, तो ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। वो अपने बहन से शादी नहीं, वाइफ की बहन से शादी नहीं कर सकता, अपनी वाइफ की मदर से यानी कि अपने सास से शादी नहीं कर सकता, अपनी वाइफ की मदर यानी कि अपनी वाइफ की दादी से शादी नहीं कर सकता है ना, अपनी वाइफ के आंट से शादी नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ रिश्ते जो एफिनिटी में आते हैं, तो अगर ऐसा है तो आप ये कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तो ये भी मना है इस्लाम में, आप नहीं शादी कर सकते। तीसरा आपको फॉस्टरेज देखना है, फॉस्टरेज में क्या होता है, दूध का रिश्ता, कॉन्सिग्निटी खून का रिश्ता, फॉस्टरेज दूध का रिश्ता। तो अगर मान लिया एक आदमी एक इंसान किसी औरत का दूध पिया है यानी कि वो औरत पालन पोषण की है, फॉस्टरेज की है उस आदमी को, तो वो आदमी उस औरत से जिसका उसने दूध पिया है उससे शादी नहीं कर सकता, ये इस्लाम में मना है, दैट इज कॉल्ड फॉस्टरेज। तो अगर ऐसा रिश्ता है तो आप जान लीजिए कि कॉम्पिटेंट नहीं होंगे दोनों पार्टीज, यानी कि एक औरत जो एक लड़के को दूध पिलाई थी वो औरत और वो लड़का शादी करेंगे तो ये मना है इस्लाम में। अब आपको समझ में आ गया इसेंशियल रिक्वायरमेंट। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज की जहां तक बात करें तो आपके पास तीन चीजें हैं, तीन टाइप्स हैं। आप पहला आप कह सकते हैं कि वैलिड मैरिज, यानी कि वैलिड मैरिज आप कह लीजिए, एक कह लीजिए वाइड यानी कि बातिल, और एक कह लीजिए इररेगुलर यानी कि फासिद, यानी कि सही सही SHSHAHIH सही सही मैरिज यानी कि वैलिड मैरिज, एक वाइड मैरिज यानी कि बातिल मैरिज, तीसरा फासिद मैरिज यानी कि इररेगुलर मैरिज, फासिद उसको उर्दू में कहते हैं। अब हम वन बाय वन आते हैं। पहला मैंने कहा सही मैरिज यानी कि वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज ऑब्वियसली बात है, जितने भी सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जितने भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट आपको बताए गए हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं तो वो सही मैरिज वैलिड मैरिज कहलाएगी। दोनों में आपस में भाई बहन का रिश्ता नहीं है, दोनों में आपस में दादी और माँ और बेटे का रिश्ता नहीं है, इस तरीके से शादी वो कर रहे हैं, सब कुछ लीगल हिसाब से हुआ है, जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट वो मीट आउट हो गए हैं, तो वैलिड शादी कहलाएगी, है ना। वैलिड शादी एक बार हो जाती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके होते हैं, क्या परिणाम होते हैं? भाई जाहिर सी बात है कि सामने जो लड़का होता है जो लड़की होते हैं उनमें आपस में हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता बन जाता है, और लड़का लड़की आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं लीगली, उन पे कोई उनका हक है एक दूसरे पे, है ना। बीवी जो है अपने शौहर से फिर दगाबाजी या चीटिंग नहीं कर सकती, फेथफुल रहेगी ये उसके, और बीवी जो है राइट टू मेंटेनेंस का हक उसको आ जाएगा, राइट टू लॉज का हक आ जाएगा, यानी कि बीवी को ये हक आ जाएगा कि आप मुझे मेंटेनेंस दो, आप मुझे पोषण करो, आप मुझे जो है शरण दो, है ना, ये बीवी का हक आ जाएगा। अगर वैलिड मैरिज है तो बीवी के हकूक ये पैदा हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और हस्बैंड को कुछ फर्ज लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाते हैं, हस्बैंड के इसी तरीके से राइट क्रिएट हो जाते हैं, बीवी पे कुछ लाइबिलिटीज क्रिएट होते हैं। अब हस्बैंड का क्या राइट है कि भाई अपनी बीवी के साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स फिजिकल रिलेशनशिप बना सकता है, अपनी वाइफ को वो गवर्न कर सकता है, अपनी वाइफ को कंट्रोल कर सकता है कि आप यहाँ मत जाओ, वो कर सकता है ऐसा, क्योंकि दोनों में वैलिड मैरिज हो चुका है, सोलमनाइज हो चुका है। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं, आगे हम लोग वाइड मैरिज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वाइड मैरिज क्या है, वाइड मैरिज, अच्छा वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, चूंकि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम में निकाह, तो इसी तरीके से पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचो। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज द एग्रीमेंट विच इज वाइड एब इश्यू, वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वो वाइड एब इश्यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वो इलीगल हो गया। तो इसी तरीके से निकाह जो है वो निकाह हुआ ही नहीं, उसका मुस्लिम इस्लाम के नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई अहमियत नहीं है, और दोनों जो मर्द और औरत हैं उनमें हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता ही नहीं बना। जैसे आपको कॉम्पिटेंसी बताया था मैंने कि भाई बहन और भाई में शादी नहीं हो सकती, तो अगर एक बहन और भाई जिसमें खून का रिश्ता था, कॉन्सिग्निटी वाला था कंडीशन, बहन भाई शादी कर ले तो वो शादी शादी नहीं होगी, निकाह नहीं हुआ उन दोनों के बीच में, वो वाइड मैरिज हो गया,
वो दोनों हस्बैंड और वाइफ नहीं है, बहन चाहे किसी और से शादी, वो लड़की चाहे किसी और से शादी कर सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब आपको समझ में आएगा वाइड क्या, वो वाइड एबिनिशियो होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वो चीज़ें इलीगल होती है ना। एक लड़का जो अपनी माँ से शादी कर ले तो कहा जाएगा वाइड मैरिज है, बातिल मैरिज है। तो यानी कि कॉन्सिग्निटी, एफिनिटी, फॉस्टरेज, ये तीनों कंडीशन को अगर वो इनमें से किसी को फुलफिल किया है तो वाइड मैरिज हो जाएंगे, वैलिड मैरिज नहीं होंगे। तो वाइड मैरिज आपको समझ में आ गया। अब आइए इररेगुलर मैरिज में। इररेगुलर मैरिज किसे कहते हैं, यानी कि आप कह लीजिए कि एक सही हो गया, एक बातिल हो गया, फासिद, फासिद मैरिज। देखिए इररेगुलर मैरिज क्या होता है कि अगर एक जो कंडीशन है वो रिमीडियल है, यानी कि कोई इररेगुलरिटी हुई है वो रिमीडियल है या टेम्पररी नेचर का डिमेरिट्स है, यानी कि फ्लॉ है। शादी में अगर एक फ्लॉ है वो जो टेम्पररी नेचर का, जिसको सुधारा जा सकता है, तो ऐसी शादी को हम इररेगुलर मैरिज कहते हैं। जैसे वाइड मैरिज में क्या हुआ, उसे आप सुधार नहीं सकते। जैसे बहन भाई हैं तो अब ऐसे थोड़ी कहोगे अच्छा चलो आज शादी हो गई, चलो आज से आप इसकी बहन नहीं हो, चलो मियाँ बीवी वैसे तो नहीं बोल पाओगे आप, उसको करेक्ट नहीं कह सकते। जो रिश्ता खून का रिश्ता है तो है, वो तो बचपन से है उन दोनों में। लेकिन इररेगुलर मैरिज में क्या होता है कि ये गलती हो गई, रेमेडी उसकी हो सकती है, यानी कि उसको करेक्ट किया जा सकता है। जैसे मान लिया कि शादी के टाइम अगर मान लिया विटनेस नहीं थे, बिना विटनेस के आपने शादी कर ली है, तो वो इररेगुलर मैरिज होगा, वो वाइड मैरिज नहीं है। मतलब कि इररेगुलर मैरिज ना तो वो वैलिड है कंप्लीटली, ना तो वो वाइड है कंप्लीटली, वो बीच में है। आपने बिना दो कॉम्पिटेंट विटनेस के शादी कर ली, निकाह कर लिया, तो ऐसी शादी जो है इररेगुलर शादी कहलाएगी। अब इसको करेक्ट किया जा सकता है, बाद में विटनेस बुलाए जा सकते हैं, उनके सामने चीजें हो सकती हैं, बाद में वही मैरिज सेम मैरिज रहेगा, वो आगे तक चलेगा, वैलिड बन जाएगा, वो आपने गलती सुधार ली तो वैलिड हो गया वो मैरिज। इसी तरीके से अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत है औरत, उससे आप शादी कर लिए, तो वो शादी इररेगुलर कहलाएगी, वाइड नहीं है, है शादी लेकिन वो इररेगुलर मैरिज, इररेगुलर निकाह कहलाएगी। अब पीरियड ऑफ इद्दत क्या होता है मैं आपको बता दूं। मान लें कि किसी औरत का हस्बैंड मर गया है, या एक औरत का एक अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो गया है, तो ये कहा गया इस्लाम में कि औरत जो है पीरियड ऑफ इद्दत गुजारेगी। इद्दत मतलब आपके लिए मेंस्ट्रुएशन पीरियड, 3 महीने या 3 पीरियडिकल सक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन पीरियड गुजारेगी, ताकि ये तय हो पाए कि अगर वो प्रेग्नेंट हो और बच्चा पैदा होता है तो ये डिसाइड हो पाए कि बच्चा किसका था, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। एक औरत जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी है, अब डिवोर्स हो गया उसका, फिर किसी और से इमीडिएटली शादी हो जा रही है, फिर बच्चा पैदा हो रहा है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी कि किसका बच्चा है। तो इसलिए इस्लाम में ये कहा गया है कि वो 3 महीने पहले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत गुजारेगी, या 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड इद्दत गुजारेगी। अगर उसे मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आ रहे हैं तो एटलीस्ट 3 महीना वो गुजारे, ताकि क्लियर हो जाए कि आगे जब उसकी शादी हो, जब बच्चा हो, तो क्लियर हो जाए कि हाँ इसका बच्चा जो है इसी बाप का है, इसी इंसान का, उसमें कोई कन्फ्यूजन एम्बिगिटी ना हो। तो अगर मान लिया एक औरत से आपने शादी कर ली और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत वो थी, इद्दत गुजार रही थी, उस टाइम आपने शादी कर लिया, तो वो शादी इररेगुलर कहलाएगी, फासिद कहलाएगी। दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं, अगर एक मर्द 5वीं शादी कर रहा है, यानी कि 4 शादी उसने कर ली, 5वीं बार वो निकाह कर रहा है, तो जो 5वीं बार निकाह वो करेगा वो शादी इररेगुलर मैरिज कहलाएगी इस्लाम में। यानी कि 5वीं शादी को अगर इररेगुलर तो हो गई, अब उसे रेगुलर बनाना है, वैलिड बनाना है, तो अपने 4 पहली बीवी में से उसको किसी ना किसी को तलाक देना पड़ेगा, तो वो 5वीं निकाह जो होगी, 5वीं शादी जो होगी, वो वैलिड मानी जाएगी, वैलिड हो जाएगी। तीसरा कंडीशन है इररेगुलर मैरिज का। चौथा, अगर मान लिया एक पर्सन ने किसी ऐसे बीवी से शादी किया, किसी ऐसी महिला से शादी किया, औरत से शादी किया जो मुस्लिम नहीं थी, इंटर रिलीजन शादी किया, तो वो इररेगुलर मैरिज कहलाता है। तो अब रेगुलर मैरिज बनाने के लिए उसको भी आपको इस्लाम कबूल करवाना पड़ेगा, गॉट इट। तो ये इररेगुलर मैरिज होते हैं। तो इतने सारे कंडीशन है इररेगुलर मैरिज के। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो शिया लोग हैं वो चूंकि विटनेस की कमी से, अभी मैंने बताया कि इररेगुलर मैरिज होता है, लेकिन शिया के केस में ऐसा नहीं होता। शिया जो है बिना विटनेस के भी करेंगे तो उनकी शादी वैलिड मानी जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि शिया में विटनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके यहाँ जो डिवोर्स होता है तो विटनेस को मैंडेटरी होता है, विटनेस के सामने डिवोर्स होना चाहिए, विटनेस होने चाहिए, उनके यहाँ उल्टा कॉन्सेप्ट है। सुनने में क्या होगा, डिवोर्स हो रहा है तो विटनेस हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब निकाह हो रहा है तब विटनेस होने चाहिए, मैंडेटरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। शिया के यहाँ क्या होगा, जब निकाह हो रहा है तब विटनेस हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन जब डिवोर्स हो रहा है तो विटनेस होने चाहिए, कॉम्पिटेंट विटनेस 2 होने चाहिए, ये शिया के यहाँ। तो आई होप कि आपको मैरिज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और आखिर में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जितना आपसे हो सके। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।